मैं दोबारा से आ चुका हूँ इस वर्ल्ड में, क्योंकि आना था मुझे बस, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं अपनी बकवास। तो स्वागत है मित्रों इस ब्रांड न्यू गेम सीरीज में, तो मिखिल मेरे माइनक्राफ्ट, और ये है अपना एपिसोड नंबर 7। और या काफ़ी सारे बंदों ने काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड हाँ थैंक यू फॉर 3K सब्सक्राइबर। और हाँ, मेरा लगभग थोड़ा सा और बाकी है, जब अपना चैनल है वो मोनेटाइज होने के बहुत करीब है, तो तुम लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो। कोई तरीका है भीख मांगने का? और हाँ, फुल वीडियो देखा करो, तभी तुम लोग को थोड़ा इन्जॉयमेंट मिलेगा। आई नो दैट कि मैं थोड़ी सी अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ, बट या आई एम ट्राइंग टू डू बेस्ट, ठीक है। मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा फ्यूचर में, ठीक है। बस तुम लोग सपोर्ट दिखाओ ब्रो, और जल्दी जल्दी अपन कोई पीसी तो पॉसिबल नहीं होगा इतना जल्दी, बट एटलीस्ट अपन एक लैपटॉप ले लेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा गेम प्ले हो सके, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्या बोलना था मुझे ओके, तो मुझे अपना टॉपिक अभी याद आया मुझे बनाना एक आज एक आयरन फार्म, क्योंकि देखो भाई अपने पास आयरन की बहुत कमी है। आई नो दैट कि अपन माइन करने जा सकते हैं, बट यार माइनिंग पे अपन कितना इकट्ठा कर सकते हैं, अपने को ट्रेडिंग चाहिए, प्लस बीकन बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए अपने को ढेर सारा आयरन चाहिए। तो देखो मैंने डिसाइड किया था कि अपन बनाएंगे अपना आयरन फार्म इस साइड को, ठीक है। लेकिन ये साइड को बनाएंगे तो भाई अपना एक इशू होगा, सबसे मेन इधर अपना एक जाएगा अपना रेड फार्म अपने पास में बनने वाला, क्योंकि इधर विलेजर आउटपोस्ट है, ठीक है। विलेजर आउटपोस्ट के पास जो अपना वो है गोल्ड फार्म है, उसके जस्ट बगल में अपन आयरन फार्म बनाने वाले थे, मतलब वो अपना रेड फार्म बनाने वाले थे, बनाएंगे ही क्योंकि ज़रूरत है उसकी भी, बट वही चीज़ इशू है ना कि भाई अगर इधर एक विलेजर उधर विलेजर बीच में फंसेगा तो फिर वो कन्फ्यूज होंगे ना कि कहाँ स्पॉन होना है आयरन। दैट्स वाई अपन डिसाइड किया गया अपन वो साइड नहीं बना के ना अपना सीधे बनाएंगे, करेंगे मतलब जो सामने वाला एरिया दिख रहा है तुम लोग को जंगल वाला, वो अपन थोड़ा सा क्लियर करेंगे एंड वहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि देखो भाई अपने को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। अपने को डबल मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, भाई परेशान हो जाता है इंसान भाई, क्योंकि तुम खुद सोचो ना एक ही काम को बार बार रिपीट करना, वो चीज़ सही नहीं लगता, दैट्स वाई, ठीक है। और हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ, मैं इसको हवे में बनाने वाला हूँ, मतलब हवे में, तुम लोग समझना चाहते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब कहने का मतलब मेरे भाई कि वो हवे में रहेगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लगेगा, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम होगा, पता नहीं वो काम करेगा भी नहीं करेगा, मुझे खुद नहीं पता, बट लेट्स को बनाते हैं। ओके, तो मैंने थोड़ी जगह को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर कर दिया, अच्छा कर दिया एकदम, जब लोग देख सकते हो यहाँ पे साइड से मैं बिल्कुल पानी वानी मार मार के मैंने एकदम बढ़िया कर दिया। ओके, तो लेट्स को यहीं पर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब अपने को थोड़ा सा हाइट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइट पर जाने के लिए अपने को ढेर सारा डर्ट लेके आया था मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले जो अपना माइन किया था ना पीछे वाले एरिया, वहाँ पर पूरा क्लियर किया था, तो वहाँ से मेरे को ढेर सारे डर्ट मिले थे। लेट्स को यहाँ से एक हाइट पर चलते, कम से कम 20 की हाइट पर चलेंगे, ठीक है, लेट्स को। ओके, तो अपन आ चुका 20 की हाइट्स पे, और यहाँ से अपन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहले वो एरिया बना लेते हैं जहाँ पे अपन उन सबको रखेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो, उसको बना लेते हैं फटाफट से। भाई यार मेरे सामने पॉम्पी दिख रहा है भाई, जो अपने गेमर फ्लीट के जो सबसे प्यारे पॉम्पी होते हैं वो दिख रहा है। लेट्स गो, इसको टेम करते हैं प्लीज। भाई क्या किस्मत है, एक ही बोन में टेम हो गया ओके पॉम्पी, तो चलो फिर एक मिनट जाओ, इसको खाना देना होगा यार, मस्त भाई देखो यार पॉम्पी, मतलब पॉम्पी कर रहा हूँ, सारी गेम फ्लिट भैया तुम्हें मत बोलना भाई, मैं तुम्हें वो कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी कैट कोई नहीं लिखेगा कमेंट में। ओके, लेट्स को, मैंने पूरा बेड वही सेटअप किया जो पुराना वाला चीज़ था ना, मैंने वो वैसे मतलब जो 9x9 का एरिया था उसको हटा के मैंने 7x7 का एरिया बनाया, और इसको मतलब सेम वही प्रोसेस यूज़ किया जो मैंने नीचे यूज़ करता था, मतलब जब ग्राउंड में बनाते थे। तो लेट्स को फटाफट से इसको भी कम्प्लीट कर लेते हैं और पूरा बना के मिलते हैं, क्योंकि आई डोंट नो ये काम करने वाला कि नहीं करने वाला, मुझे खुद नहीं पता। ओके, लेट्स गो, मैंने दो विलेज को पकड़ तो लिया, इनको फटाफट से लेके चलते हैं वहाँ पे, और भाई कराते हैं ढेर सारे ब्रीडिंग्स और लेके आते हैं ढेर सारे विलेजर्स। ओके, तो लग गया, तो मैंने एक और यहाँ पे ब्रिज बना लिया ताकि अपने जो विलेजर्स है वो आराम से। ओके मस्त भाई, मेरे को लगा मैं गया काम से, मैं कूदा था पर मुझे कुछ अंदाजा नहीं मिला मैं कब कूदा हूँ ओके, तो वहाँ पे मैं एक ब्रिज बना चुका हूँ जिससे अपने विलेजर्स है ना वो ऊपर जा सके। तो लेट्स गो, फटाफट से उन्हें ऊपर पहुँचाते हैं और पूरा रेल कार्ड वेट कार्ड सब बिछा के मिलते हैं। और जिसने मेरी पहली एपिसोड देखा होगा, पहले या फिर दूसरा एपिसोड में आई थिंक सो, मैं ढेर सारे रेल कार्ड मतलब माइन करके लाया था माइन शॉफ्ट से, ठीक है। तो आई थिंक वो मेरे इन्वेंट्री पड़ेगा, और अगर मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी क्या बोलते हैं उसको, रेड स्टोन वाला एक होता है ना माइन कार्ड, अरे क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर, रेल एक्टिवेटर, अरे रेल एक्टिवेटर नहीं, क्या बोलते हैं भाई इसको नाम बोल गया मैं उसका ओके कोई ना, जो भी नाम है उसका वो फटाफट से उठा लेते हैं और फिर निकलते हैं। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे रेल पड़े हुए, लेट्स गो। और यहाँ से मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी माइन कार्ड की, तो अपन बाद में ले लेंगे, बाकी मैं गोल्ड यहाँ से लेता। तो भाई तुम गोल्ड देखो भाई, भर भर के गोल्ड है भाई। मैं वहाँ पे गया था अपने गोल्ड फार्म के पास, वहाँ पे काफ़ी देर एफके हुआ, और हाँ
AFK का मतलब, कहने का मतलब ना मैंने XP ढेर सारी कलेक्ट की थी, जिसे अपने पूरे आर्मर्स पे मैंने मैंडिंग वैंडिंग लगाया, सब कुछ लगाया, पूरे आर्मर पे नहीं, आई थिंक वेपन्स पे लगाया था और कुछ इंचेंटमेंट की थी, तो उससे ढेर सारा मेरे को गोल्ड मिल गया। ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करते अपना बनाना। ओके लेट्स गो, अपने पूरा पावर डेल वेल सब कुछ लगा दिया, यहाँ पे पूरा फाइनल हो चुका है। अब बस मुझे इन विलेज को पकड़ना है और इनको वहाँ तक पहुँचाना है, तो मिलते हैं 2 मिनट के अंदर उन्हें पहुँचा के, क्योंकि भाई ये सबसे बोरिंग काम है। जो माइनक्राफ्ट प्लेयर है ना, उनको अच्छे से पता होगा भाई कि ये दुनिया का सबसे बेकार, सबसे घटिया, गंदा काम है। ठीक है, क्योंकि ये परेशान कर रख देते हैं, दैट्स वाई। तो मैं मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर, क्योंकि मुझे नहीं पता ये लोग कितना परेशान करने वाले मुझे। ठीक है, तो फिर जल्दी से तुम लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को। ठीक है, दबा दो बटन सब्सक्राइब वाला। ओके लेट्स गो, अपने दोनों दोनों विलेज जा चुके हैं। बस ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई तुम्हें नीचे जाना चाहिए भाई, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? हैं, चलो चुपचाप नीचे आ रहा। ओए ओए, आराम से भाई, नीचे मत गिर जाना दोस्त, मैं मजाक कर रहा था, एक मिनट आराम से। ओके लेट्स गो, दोनों दोनों अपने विलेज आ चुके हैं, फटाफट से मैं ऊपर चलता हूँ, क्योंकि मैं को बिल्कुल यहाँ पे रिस्क नहीं लेने का दोस्त। कोई ऊपर नहीं आया, ऊपर नहीं आना भाई, ये लोग डरा देते भाई पूरा ही। गलती से मिस्टेक हो गया भाई, मैं यहाँ पे टॉर्च लगाना भूल गया, गलती से अगर मॉब स्पॉन होगा ना भाई, ये मेरे पूरे मेहनत पर पानी फेर देंगे सब। लेट्स गो, फटाफट यहाँ पे ढेर सारे टॉर्च लगाते कि यहाँ पे कोई स्पॉन ना हो आलतू फालतू, मतलब पहले मुझे परेशान होना पड़ेगा। लेट्स गो, फटाफट से ब्रीडिंग कराते हैं और ढेर सारे लेके आते हैं ब्रेड, और ब्रेड अच्छे से पता है सबको कि भाई ब्रेड अपन कहाँ से लाएंगे, अपन लाएंगे ट्रेड करके, मतलब जो फार्मर वाला था विलेज उससे ट्रेड करके लाएंगे, ताकि अपने को ज़्यादा मतलब इशू ना हो। ठीक है, ओके लेट्स गो, यार अपना विलेजर, चलो भैया ढेर सारे ब्रेड दे दो हमको, शाबाश। ओके एक स्टैक, वो भाई डेढ़ स्टैक देता है भाई, मैं पहली बार इसको ऐसे, मतलब मैंने हाँ माना मैंने वो किया ट्रेड किया, बट कभी इतना फोकस नहीं किया इस पर कि भाई ये कितना ट्रेड देता भाई, लगभग डेढ़ स्टैक दे दिया। ओके कोई बात नहीं, अपने लिए फायदेमंद है ये चीज़। लेट्स गो, चलते फटाफट से लोग ब्रीड कराते हैं, बाकी यार तुम लोग मेरा घर देखते हो बहुत प्यारा दिख रहा है। ओके लेट्स गो, अपन आ चुके अपने विलेज के पास, फटाफट से इनको देते हैं ढेर सारे ब्रेड। स्लो भैया, ब्रेड खाओ और ब्रेड खाओ, ठीक है पेट भरा, शुरू हो जाओ है और ची सालो तुम्हारी भैंस की टांग बेसी कल मिली, ये लो। ओके शुरू हो गए लोग, आगे बंद कर लो बच्चों, ठीक है भाई ये खुद आगे बंद करवा दे रहे। ओके ढेर सारे ब्रीडिंग करवा के मिलते हैं 2 मिनट के अंदर, क्योंकि अपने को चाहिए कम से कम 20 विलेजर्स अराउंड इट। ठीक है, और उसमें से एक दो मुझे मारने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो ग्रीन जैकेट वाला आया ना, मैंने उसे पीट देना बहुत गंदे वाला है, क्योंकि भाई वो परेशान करके रखता है भाई, ना काम करता है ना काम धंधा दिखाता है भाई, कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके तो मैं काफ़ी देर यहाँ पे एफके हुआ था, तुम लोग देख सकते हो इतने सारे विलेज हो चुके अपने, लिटरली लगभग आधा घंटा नहीं, मतलब 10-20 मिनट लगा होगा मेरे के रियल लाइफ में, रियल वाले में, रियलिटी में, मतलब 10-20 मिनट लगा होगा इन सबको ब्रीडिंग कराने में। हालत तो ख़राब हुई, बट ठीक है, इट इज़ ओपी ओपी ब्रो। ओके फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। ओके भाई मैं काफ़ी देर से खड़ा था, बट अभी तक एक भी स्पॉन नहीं हुआ भाई, यार आयरन गोलम पता नहीं क्यों ये फार्म वर्क नहीं करता भाई, मैंने इसको अच्छे से बनाया तो तुम लोग देख सकते हो यार, एकदम मस्त तो है भाई। अब इसमें क्या इशू है यार? ओके मैं इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करता हूँ, ठीक है। ओके तो मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, और एक बार चल के देखते हैं अंदर के भाई ये विलेजर्स क्या कर रहे हैं भाई, यार परेशान कर रख दिया इन लोगों ने सच में भाई, हैं इतनी कोई बेइज्जती करता है? ठीक है, ओके तो लेट्स गो, चलते अंदर भाई, कोई वो मतलब बच्चा बच्चा ग्रीन कोट वाला ऐसा नहीं है ना भाई बना, वो अलग ही सीन कराएगा मेरा। ओके फटाफट चलते अंदर, तोड़ो भैया गार्ड तोड़ो, लेट्स गो। ओके भाई सब बड़े तो हो चुके हैं, हेलो भाई सब बड़े भाई, कोई बच्चा ही नहीं है। एक मिनट, एक बच्चा, अरे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई? फिशरमैन तू मर, मर यहाँ से भाग भाई, ये इसी के पैसे भाग यहाँ से। ओके ये मर चुका है, लेट्स गो। अब आई थिंक इस हैं भाई ये लोग शुरू, हेलो ये भाई ब्रीडिंग कब कैसे कर रहे हैं भाई? ओके शायद कुछ ना कुछ इशू हुआ है। ओके मुझे ख्याल से मुझे ग्राउंड वाला ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्म वर्क नहीं करने वाला, पता नहीं इनके रेंज में कैसे आ रहे हैं वो बैड्स। ओके तो मैंने उस जगह को हटा के दूसरी जगह हटाया था, दूसरी जगह अपने शिफ्ट किया था, और यहाँ पे थोड़ा बहुत TNT बजा के मैंने, मतलब जितना गन पाउडर था मेरे ख्याल से 5 मेरे पास TNT थे, तो मैंने 5 TNT फोड़े और इतना गड्ढा हो गया। ठीक है, तो मैंने उसको जगह थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, ताकि इजी मतलब थोड़ा सा अच्छा रहेगा भाई। देखो मैंने वो सेट बनाया था, बट इसको थोड़ा सा इधर कर दिया, आगे सेट को कर दिया। ठीक है, लेट्स गो फटाफट से इस जगह को क्लियर कर लेते हैं, और देखते हैं शायद यहाँ पे स्पॉन हो जाए, प्लीज़ भगवान। मैं इसको थोड़ा सा आगे किया हूँ। ओके तो मैंने सबको सेटअप वेटअप कर लिया, फटाफट से यहाँ पे थोड़ा पानी डालते हैं, और वहाँ पे 2 ब्लॉक बचेगा, सेम प्रोसेस, एक मिनट थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ओके अब यहाँ पे अगर स्पॉन होता है
इट मीन्स यहाँ पे जलेगा, ठीक है यहाँ से जलेगा। मैं आयरन, देखो आयरन में ऊपर इकट्ठा करने नहीं आऊँगा, वो डायरेक्ट मैं ऐसे ब्लॉक तोड़ दूंगा और एक पानी का फ्लो अच्छे से बना दूंगा ताकि वो अपना आराम से पानी, मतलब यहाँ पे ग्लासेस वाला सिस्टम बना देंगे, ठीक है। और ग्लास अपना जाएगा आयरन नीचे और ये नीचे अपन कलेक्ट करेंगे मस्त सीधी तरीके से। देखते भाई, पता नहीं ये फार्म भी वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मुझे खुद नहीं पता यार। मैंने एक बार तोड़ के दोबारा बना चुका हूँ, ये दूसरा मेरा फार्म है। प्लीज़ यार इस भाई यार कैसे भाई। ओके तो अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है भाई, अब मुझे नीचे वाला ही ग्राउंड वाला ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर मैंने एक वहाँ पे बनाया था, दूसरा यहाँ पे बनाया, ये वर्क नहीं किया है। इट मीन्स मुझे न्यू बनाना पड़ेगा। लेट्स गो फटाफट से बनाते हैं न्यू भाई। हालत तो ख़राब हुई क्योंकि भाई मैंने इसको डबल डबल बना रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट से ये वाला आयरन मतलब फार्म बना के मिलते 2 मिनट के अंदर भाई। इसको अपन बेड भी पूरा लगा चुके हैं, ये लास्ट बेड गया और 2 बेड यहाँ पे लग जाएंगे, एक यहाँ पे जाएगा और दूसरा जाएगा यहाँ पे। लेट्स गो, पूरा पूरा फाइनल हो चुका है, अब बस बीच में मुझे ब्लॉक वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा। ओके तो फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। ओके तो मैंने सारे व्हीलर्स को इसे धक्का मार मार के नीचे गिरा दिया है, ठीक है। मतलब धक्का मार के गिराया नहीं, नीचे पानी था और इसी पानी में लोगों को फ्लो करवा दिया है। फटाफट से इसको क्लियर करते हैं और मुझे भी नीचे जाना पड़ेगा ये फ्लैचिंग केबल लगाने के लिए। तुम लोग देख सकते हो यहीं से मैंने उन लोग को गिराया नीचे, आराम से इजी पीजी चले गए। और मुझे भी जाना पड़ेगा नीचे क्योंकि भाई पूरा पूरा लगाना पड़ेगा। ओके फटाफट से पूरा पूरा बना के मिलते हैं भाई, क्योंकि यार इसमें टाइम लग रहा है, आई नो दैट बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेट्स गो फटाफट से पूरा आयरन फार्म बना के मिलते हैं। लिटरली ब्रो मेरे को कम से कम यहाँ पर 1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है बस इसी चीज़ को बनाते हुए। 1.5 घंटे ब्रो, 1.5 घंटे, तुम लोग समझ रहे हो 1.5 घंटे। अरे रियल लाइफ में भाई हालत ख़राब हो गई है, मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो चुका है लगभग पूरा पूरा ही, मतलब मजाक कर रहा हूँ, 40% चार्ज है अभी। ओके तो फिर देखते भाई, ये प्लीज़ भाई ये वर्क करना चाहिए ब्रो। ओके लेट्स गो, ये अपना बन गया लावा, फाइनली अपना ये फार्म बन के रेडी हो चुका है। बस अब यहाँ पे ज़रूरत है गोलम स्पॉन होने की, थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। ओ फाइनली बस 1-2 स्पॉन हो जाए यार, तो थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा कि यार आयरन गोलम स्पॉन हो रहे हैं, ठीक है। फाइनली गाइस एक दिक्कत हो गई भाई, अपने आयरन गोलम वहाँ स्पॉन होने के बजाय यहाँ स्पॉन हो रहे गाइस। हो गया कल्याण भाई, मैं इतनी मेहनत से 3 जगह फार्म बना चुका हूँ और तीनों टाइम इन लोगों ने मुझे परेशान कर रख दिया। अब मेरा हो चुका दिमाग ख़राब, मैंने मुंह तोड़ देना है ये लोग के। भाई यार तुम खुद सोचो ना भाई, एक ऊपर बनाया फिर दूसरा उसके जस्ट बगल में बनाया, अब नीचे बनाया फिर भी वॉक नहीं कर रहा है भाई। मैं करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या यार, मैं परेशान हो गया सच में। अब एक ही उपाय बचा है कि अब मुझे इसको तोड़ के दूसरी जगह बनाना पड़ेगा भाई, इतना दूर है, तुम खुद देखो ना यहाँ से उतना लॉन्ग रेंज। ओके सो गाइस मुझे अब नया फार्म बनाना पड़ेगा। ओके तो फाइनली एक फार्म बना के मिलता है 2 मिनट के अंदर। ओके तो फाइनली भाई लो अपना जो फार्म है वो बन के रेडी हो चुका है। देखो मैंने इस केव को थोड़ा सा तोड़ा और ये फाइनली वर्क भी कर रहा है, अभी अभी एक आयरन गोलम मरा है। ओके मेरे पास 11 हो चुके हैं, अब थोड़ी देर और वेट करके देखते भाई क्या ये सच में वर्क कर रहा है, क्योंकि भाई हालत ख़राब हुई। इसको भी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2 मिनट लगा गाइस, 2 मिनट। मैगी बना रहा था मैं, मैगी, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, यार ये एक चीज़ मैंने गलती कर दी, इन लोग को खोल के छोड़ देना गलत बात है, इन लोग को ढकना पड़ेगा। ओके एक और जल रहा है, एक और जल रहा है, एक और जल रहा है, देखो देखो आग लिख के आग दिख रहा है, आग दिख रहा है। ये बेटे मर, बेटे मर, मर बेटे मर, मर जाओ गुखा ले। ओके तो फाइनली भाई, ओके तो लेट्स गो भाई लोग, अपना जो फार्म है बहुत खतरनाक तरीके से वर्क कर रहा है। लिटरली थोड़ा हालत ख़राब हुआ बट ठीक है, 2 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली अपना जो आयरन फार्म है वो वर्क करने लायक हो चुका है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो चली वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो या से सब्सक्राइब कर देना। हाँ भाई अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ, बोलो एकदम भर भर के सीना तोड़ के दिखा दो, मैच दिखा दो। सब्सक्राइब कर ले दोस्त, ठीक है, और वीडियो को फटाफट से लाइक कर लो। और हाँ कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये फार्म कैसा लगा। और हाँ आई एम सॉरी क्योंकि मैं मेरा जैक वाला झोपड़ा का जो वो है वर्ल्ड है उसमें मैं अब तक एक बार भी नहीं गया, और वहाँ का कासल बनाना अभी बाकी है, तो उसमें जरूर जाएंगे और उसका भी कासल अपन बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो टाटा गुड बाय एंड गुड डे।